आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी देख रहे हैं और आज हम चैप्टर 6 पे नजर डालेंगे, शिवालिक्स या फिर आउटर हिमालयाज। दोस्तों, इससे पहले हमने क्या देखा था? ट्रांस हिमालय देखा था हमने, पार हिमालय, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने ग्रेटर हिमालय, उसके बाद देखा था हमने लेसर हिमालय, उसके बाद देखा था आज हम देखेंगे शिवालिक्स। इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स ऑफ हिमालयास, और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ हिमालयास, और फिर हम ग्रेट प्लेन्स पे आएंगे, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको बताया ही था दोस्तों कि अगर जहां से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, अगर वो सेंटर माने और वहां से एक सर्कल ड्रॉ कर दें, तो ये सबसे आउटर पार्ट हो गया, जिसको आउटर हिमालय बोला जाता है। हिमालय का सबसे आउटर पार्ट, क्योंकि ये पूरा का पूरा अगर हिमालय है तो सबसे आउटर पार्ट कौन सा है? ये शिवालिक रेंज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हो गया आपका मिडिल या फिर लेसर हिमालय, जिसको हिमाचल बोलते हैं, वो हमने पूरा कवर किया था ना पिछले लेक्चर में। और ये हो गया आपका ग्रेटर हिमालय, यानी कि इनर हिमालय। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आसान है, कुछ नहीं है, पढ़िए, मजा आएगा। लेकिन दोस्तों आपको कुछ चीजें तो रटनी ही पड़ेंगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे नया है ये, आपको बता दूं, सबसे नवीन रेंज है ये अभी बनी है, अभी मतलब कल ही नहीं, हो गए हैं हजारों साल, लाखों साल, लेकिन सबसे पहले ट्रांस बनी थी, ठीक है। उसके बाद फिर ग्रेटर, फिर लेसर, और अल्टीमेटली आपकी शिवालिक्स। और अभी बोला जाता है कि एक रेंज और बनेगी, तो ये चार हो जाएंगी टोटल रेंज, ठीक है ना? क्योंकि भारत जो है ना वो शिफ्ट कर रहा है, वो मैंने बताया था। तो अभी एक रेंज और बननी बाकी है, अब देखिए उसमें कितने हजारों साल लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा है, आप मैप देख लीजिए, ये है आपकी पूरी शिवालिक रेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ में ये ग्रेटर हिमालय और ये प्लेन्स, यानी कि ग्रेट प्लेन्स और ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, सॉरी, ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालय के बीच में जो रेंज है उसको कहते हैं शिवालिक रेंज, ठीक है ना? तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, हो जाएगा, आसान है। चलिए अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया एल्टीट्यूड 600 से 1500 मीटर है और डिस्टेंस 2400 किलोमीटर है, काफी बड़ा है। पीओके में जो पोटवार प्लेटू है, वहां से पूरा ब्रह्मपुत्र रीजन तक ये जाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैली तक जाती है, अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। दोस्तों ऐसा है कि मैंने आपको बताया था ना कि विड्थ जो है वो काफी वाइड है, लेकिन जैसे जैसे वो अरुणाचल प्रदेश जाती है, और जब अरुणाचल प्रदेश पे पहुंच जाती है और मोड़ लेती है तीखा, तो ये तीनों रेंजेस एक दूसरे से मिल जाती हैं, ग्रेटर, लेसर और शिवालिक, और बहुत पतली हो जाती है। तो शुरू में, तो जब ये शुरू होती है शिवालिक, 50 किलोमीटर तक वाइड है, लेकिन जब ये अरुणाचल प्रदेश पहुंचती है तो बहुत ही पतली पतली सकरी हो जाती है एकदम, 15 किलोमीटर तक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। फिर से मैप देख लीजिए, ये देखिए, ये आपका लेसर हिमालय, उसके बाद ये शिवालिक रेंजेस और ये ग्रेट प्लेन्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये म्यांमार चली जाती है रेंज, तो इसको अराकान कहते हैं, ठीक है ना? तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमने जिस तरीके से देखा था कि लेसर हिमालय को अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जाना जाता है, याद है कि नहीं, कि सब भूल गए? HD और PK। लेसर हिमालय यानी कि हिमाचल, जिसको बोलते हैं हिमाद्री, जहां पे सबसे ज्यादा हिल स्टेशन है और सबसे ह्यूमन फ्रेंडली ये रेंज है लेसर हिमालय, जो कि पिछले चैप्टर में मैंने कवर की थी। तो क्या है कश्मीर को, कश्मीर में उसको क्या बोलते हैं? पीर पंजाल, ठीक है ना? हिमाचल प्रदेश में उसको क्या बोलते हैं? धौलाधार। नेपाल में उसको क्या बोलते हैं? महाभारत रेंज, याद है कि नहीं? HD और PK, ऐसे याद रखिए, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सिमिलरली शिवालिक्स को अलग अलग रीजन में हम इन नामों से जानते हैं, जम्मू रीजन में जम्मू हिल्स, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, एज इट इज, ऐसे ही याद रख लीजिएगा, डफला, मिरी, एबोर, मिशमी, एज इट इज आपको ऐसे याद रखना है दोस्तों। ये जो है वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है, ये अरेंजमेंट है, सबसे वेस्टर्न में डफला, मिरी, एबोर, मिशमी, ये हिल्स है, ठीक है ना, जो कि शिवालिक में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश शिवालिक में पाई जाती है, ठीक है। तो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी मैं मैप में इसको मार्क कराऊंगा, मार्क करूंगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद कैसे करेंगे? ऐसे करिए आप, मम्मी, अब्बा, मेरी दादी, पूरा परिवार हो गया भैया, फैमिली प्लानिंग, मम्मी यानी कि मिशमी, अब्बा यानी कि एभोर, मेरी मेरी दादी डफला, ठीक है,
मम्मी अब्बा मेरी दादी, तो ये क्या हो गया, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज है, और वेस्ट टू ईस्ट, तो इसको उल्टा कर दीजिए जैसे यहां पे अरेंज है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। और आपको एक चीज और बताता हूं कि ये जो चार हिल्स हैं, अगर इन चार पहाड़ियों पे लोग रहेंगे तो क्या कहलाएंगे, ट्राइब्स। तो डफला मिरी एबोर मिश्री नाम से ट्राइब भी है। तो अगर मान लीजिए सवाल पूछा जाए मिरी ट्राइब्स कहां है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड की आसाम, तो आप क्या बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश। एबोर ट्राइब कहां है, अरुणाचल प्रदेश। डफला ट्राइब कहां है, अरुणाचल प्रदेश। मिशमी ट्राइब कहां है, अरुणाचल प्रदेश। एक चीज से आपके 10 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, तो याद रखिएगा। देखिए जो रटने की चीजें हैं, अगर आप ट्रिक्स बना लेंगे, खुद से भी आप बना सकते हैं, तो वो आपके लिए आसान रहेगी, आप भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद है, चलिए कोई बात नहीं। उत्तराखंड में इसको धांग रेंज और दुधवा रेंज भी बोलते हैं। और उत्तराखंड में दोस्तों ये जो मैदान पाए जाते हैं शिवालिक रेंज में, इसको बोला जाता है दून और द्वार, देहरादून और हरिद्वार। तो मैदानों को जो शिवालिक रेंजेस में पाए जाते हैं उसको दून और द्वार बोलते हैं, देहरादून और हरिद्वार। हरिद्वार तो दोस्तों बड़ा ही सुंदर शहर है, क्या गंगा का फ्लो है वहां पे। 2 घंटे 3 घंटे आप कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना सुंदर लगता है, इट इज सो ब्यूटिफुल कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। और उसके थोड़ा सा आगे चले जाइए तो ऋषिकेश है, वहां तो गंगा बहुत चौड़ी है, हरिद्वार में फ्लो बहुत ज्यादा है दोस्तों। अगर कोई भी गलती से भी गंगा में चला गया तो वो सीधा कहां निकलेगा पता नहीं, कहां चितड़े होंगे, स्लोप पे है ना हरिद्वार, तो स्लोप पे ज्यादा। तो ये चीज है, ठीक है। तो छुरिया घाट जो है तो नेपाल में है, ठीक है। चलिए अब हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है। हमको इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है दोस्तों, शिवालिक्स की बात करें तो दो गॉर्जेस बनते हैं। गॉर्जेस क्या होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं गॉर्जेस, ठीक है ना। ये स्टीप जो वैली होती है, स्टीप स्लोप होता है वैलीज का, ये होती है गॉर्जेस। गॉर्जेस और कैनियन एक ही होता है, फर्क क्या होता है, कैनियन ज्यादा बड़ा होता है भैया, द ग्रेट कैनियन है ना अमेरिका में, और गॉर्जेस जो है वो थोड़ी छोटी होती हैं। तो शिवालिक में हमको दो गॉर्जेस मिलती है। पहली बात, वेस्टर्न साइड पे है इंडस गॉर्ज, सिंधु नदी, और ईस्टर्न साइड में है देहांग गॉर्ज, ब्रह्मपुत्र नदी। दोनों ही नदियां कैलाश मानसरोवर लेक से निकलती हैं जो कि तिब्बत में है, ठीक है ना, येमा चुनुंग ग्लेशियर से, ठीक है, वहां से निकलती हैं। तो दोस्तों वहां से नदी निकलती है, सिंधु नदी भी और ब्रह्मपुत्र नदी भी। तो दोस्तों अगर हम वेस्टर्न साइड पे देखें, जो तीखा मोड़ आता है लगभग लगभग यहां पे, ठीक है, यहां पे जो तीखा मोड़ है, ठीक है, यहां पे बनता है आपका सिंधु गॉर्ज, मतलब जो इंडस नदी गॉर्ज बनाती है। अच्छा गॉर्ज होता क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ये पहाड़ियां हैं दोस्तों, ठीक है, नदी आएगी, नदी जब बहेगी तो पहाड़ियां उसको रोक लेंगी, लेकिन कब तक रोकेंगी, एक ना एक टाइम पे तो वो काटेगी उसको। तो नदी जो है वो पहाड़ियों को काटती जाती है इस तरीके से, पहले ये पूरा पहाड़ हुआ करता था, लेकिन नदी जब बहती है तो पहाड़ियों को काटती जाती है। तो पहले पहाड़ी को इतना काटा, फिर इतना काटा, फिर इतना काटा, फिर इतना काटा, तो अल्टीमेटली जो पहाड़ी इस तरीके की थी और नदी जो है वो बहती जा रही है और यहां पे ये पूरा एरिया जो है वो इरोड होता जा रहा है, तो धीमे धीमे वो घाटी किस तरीके से की हो जाती है, ये आई शेप, ये, और ये पूरा का पूरा यहां पे नदी है, तो इसको क्या कहते हैं, आई शेप्ड गॉर्ज, यानी कि गॉर्ज। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे कि सर अगर नदी काटती जाती है तो पूरी पाताल में क्यों नहीं चली जाती, सवाल उठेगा भैया, बिल्कुल उठना लाजमी है। वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये जो नदी है ना वो एक लेवल से नीचे नहीं जाएगी, उसको कहते हैं हम सी लेवल, सी फ्लोर। सी फ्लोर का देखिए, समुद्र जो है आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए पूरी दुनिया में कितने परसेंट जो है वो वाटर है, कितना एरिया कवर्ड है। तो पूरी दुनिया में वाटर ज्यादा है, हमारा अर्थ में वाटर मेजोरिटी पोर्शन तो वाटर कवर करता है, ठीक है। तो अब वो वाटर बॉडीज जो है, समुद्र जो बड़े बड़े विशाल महासागर है, वो क्या है उनका, जब आप नीचे जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो भैया नीचे भी तो जमीन है ना, ठीक है ना, नीचे जमीन है, उनको क्या बोला जाता है, सी फ्लोर। चार ओशन है, आर्कटिक, एटलांटिक, आपका पैसिफिक और इंडियन। हर एक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट होता है, जैसे पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट क्या है, मेरियाना ट्रेंच, तो वो सी फ्लोर पे है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो नदी है
वो एक पॉइंट पे नीचे नहीं जाएगी, उसको कहते हैं सी फ्लोर। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, ठीक है, ये आपका ये पूरा का पूरा समुद्र है, और ये समुद्र समुद्र तल है, ये पूरा समुद्र तल है। तो जो नदी है वो काटती जाएगी काटती जाएगी काटती जाएगी काटती जाएगी, पर्वत को काटती जाएगी काटती जाएगी काटती जाएगी काटती जाएगी, और यहां तक आ जाएगी, इसके नीचे नहीं जाएगी। बस इसके नीचे जा ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पे फिर वो रीजंस है बहुत सारे, ठीक है, तो नहीं जाएगी, इसके यहीं तक ही रहेगी। देखिए पहाड़ों में पोरोसिटी ज्यादा होती है, तो वो इरोड करती जाती है, धीमे 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 अंदर चली जाएगी, काटती जाएगी, लेकिन सी फ्लोर के नीचे वो नहीं जाएगी भैया, क्योंकि इसके बाद तो फिर पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है, कोर मेंटल वो सब शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो वो फिर तो ऐसा है कि ये एक लेवल तक ही नदियां नीचे जाती है, जिसको सी लेवल बोलते हैं, सी फ्लोर बोलते हैं, उससे नीचे नहीं जाती है। अब आप ये मत समझिएगा कि यहां पे समुद्र है, नहीं, ये मत समझिएगा, ये वाटर का कांटेक्ट हो चाहे ना हो, नदियां जो है वो इस लेवल के नीचे नहीं जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने जमीन के नीचे 12 फिट, ठीक है, जमीन के नीचे 12 फीट तक एक लेवल बना दिया कि इससे नीचे कोई नहीं जाएगा, तो अगर कोई भी इंसान, जैसे मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है, ये लखनऊ है, यहां पे दिल्ली है, और ये मैंने यहां बना दिया कि यहां पे कोई भी इंसान इसके नीचे नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं पे भी हो, जब भी खोदना शुरू करेंगे आप यहीं पे ही रहेंगे, इसके नीचे आप नहीं जाएंगे। तो ऐसा ही नदियों का होता है, सी लेवल से नीचे नहीं जाते, चाहे वाटर का कॉन्टैक्ट हो चाहे ना हो। ये चीज आपको समझ में आया? ये जो तीखा मोड़ है दोस्तों, इसी को कहते हैं देहांग गॉर्ज, ठीक है ना। तो भैया ये है देहांग गॉर्ज, ठीक है, और ये है आपका सिंधु यानी कि इंडस इंडस गॉर्ज। अब यहां पे जब आप खड़े होके देखेंगे तो इंडस नदी बहुत नीचे है, ये है ना, ये बहुत नीचे है। जब आप यहां पे खड़े होके देखेंगे तो बिल्कुल पतली धारा दिखती है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल चमक रही है चांदी की तरह, बड़ा ही सुंदर नजारा होता है दोस्तों। वैसे मैंने देखा नहीं है, ठीक है, जैसा बुक्स में लिखा है या बताया गया है मैं वही बता रहा हूं। अब दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियां हैं उनके नाम, ठीक है ना, तो आपको भैया एज इट इज रटने हैं। तो सबसे पहले आपकी कौन सी हिल आएगी? आपकी आएगी डफला हिल, ठीक है ना, डफला। उसके बाद दो थोड़ा सा आगे बढ़िए तो आपकी आएगी मिरी, ठीक है ना, ये मिरी हिल आएगी। उसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़िए तो आपका एबोर्स आएगी, एबोर्स हिल। और उसके बाद फिर और थोड़ा सा आगे बढ़िए, फाइनली आपका मिशमी। तो आप कैसे याद करेंगे? याद है ना क्या बताया था? मेरी मम्मी, अब्बा, मेरी दादी, ठीक है। तो ये क्या है? ईस्ट टू वेस्ट अरेंज है, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। मिशमी मिशमी, एबोर, मेरी और डफला, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश की ये पहाड़ियां हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ फैक्ट्स होते हैं क्योंकि तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा शिवालिक रेंज मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद इंडस नदी जब कैलाश मानसरोवर से होती है, उसके बाद पूरा लद्दाख जस्कर रेंज को कवर करते हुए पाकिस्तान चली जाती है, अब आपको पता ही है, इसीलिए तो बोला जाता है कि भैया इंडस का पानी रोक दो। भारत इंडस ट्रीटी जो हुई थी 1960 में, भारत 20% यूज कर सकता है, वहां 80% पाकिस्तान यूज करता है, लेकिन पाकिस्तान बहुत खतरनाक चीजें कर रहा है, ठीक है ना, उधर पे। खैर अच्छा छोड़िए, उसको रहने दीजिए, हम उस पर अभी नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र भी कैलाश मानसरोवर से, वो चेमाइन ग्लेशियर से वो पूरा का पूरा ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद फिर वो अपना कोर्स जो है वो पूरा ट्रैवल करती है। ये नदियों के बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे जब हम ग्रेट प्लेन्स पे आएंगे, सब कुछ बात करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, फाइनली चारों रेंजेस हमने कवर कर ली हैं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स ऑफ हिमालय। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, हम चाहते हैं जितने लोग हो सके इस परिवार से जुड़े। थैंक यू सो मच।